सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि टॉपिक होगा, बहुत लोगों ने फरमाइश की थी कि सर जीके भी पढ़ाइए, तो जीके में मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में जो हम पढ़ेंगे आज वो होगा हमारा सिख गुरुज का टॉपिक। आप सभी को पता है कि सिख गुरुज कितना इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एक दो नंबर में ये हमेशा पूछ लेता है स्टैटिक जीके में। तो मैं आपके लिए खास तौर पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपको दिख पा रहा है तो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट जो पेपर में हमेशा जो रिपीट होता रहता है उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, और वो मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा। और जो जो मेन पॉइंट्स सिख गुरुज के ऊपर आते हैं वो सारे हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारे सिख गुरुज के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहले सिख गुरुज हैं, मैं लाइन वाइज पढ़ाऊंगा। पहले सिख गुरुज का नाम क्या है? गुरु नानक। दूसरे गुरु का नाम है गुरु अंगद। तीसरे सिख गुरु का नाम है गुरु अमरदास। चौथे सिख गुरु का नाम है गुरु रामदास। पांचवे सिख गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी, पांच सिख गुरु यहाँ हैं, छठे यहाँ से लिखता हूँ मैं। छठे सिख गुरु का नाम है गुरु हर गोविंद। सातवें सिख गुरु का नाम है गुरु हर राय। आठवें सिख गुरु का नाम है गुरु हर कृष्ण। नौवें गुरु जी का नाम है गुरु तेज बहादुर। और दसवें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। ग्यारहवें गुरु का नाम है, और लोगों को एक्चुअली बच्चों को क्या लगता है कि 10 गुरुज है हमारे, पर 10 गुरुज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पेपर में जो अगर पूछ लिया जाए कि लास्ट गुरु कौन है, तो लास्ट गुरु 11वें नंबर पे जो मैं लिखने वाला हूं उनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब 11वें गुरु जी का नाम है। तो पेपर में अगर पूछ लिया जाए आपसे कभी भी कि लास्ट गुरु का नाम क्या है, लास्ट सिख गुरु, तो आपको गुरु ग्रंथ साहिब लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर के लिए आपका जो आंसर होगा वो 11th होगा, ना कि गुरु गोविंद सिंह। तो मैं आपको खासकर यहां बता दूं कि आप गलती यहां पे करेंगे, 10वें गुरु का नाम लिख लेंगे गुरु गोविंद सिंह, जो कि आखिरी गुरु थे। और 10 जो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो ये 10 नाम लिखे हुए हैं शुरुआत के, ये एक पर्सन थे, पर ये जो 11वें हैं ये नॉन लिविंग पर्सन है। ये खास बात इसी के लिए है, और इसी के लिए मैंने आपके सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक नोट्स बना के मैं आपके लिए लाया हूं, जो आपको बहुत फायदेमंद होगा पेपर के लिए। और लास्ट गुरु अगर आपका पेपर में आ जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब ही लिखना है आपको। तो ये हैं 11 गुरु आपके सिख गुरु। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु गुरु अंगद जी, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हर कृष्ण, नौवें गुरु तेज बहादुर, दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह, और 11वें गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये आपके 11 के 11 सिख गुरुज हैं, और इनके बारे में अभी मैं इंफॉर्मेशन और लिखाऊंगा कि किन गुरु के पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए और इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो मैं अब लिखाऊंगा आपको। पहले आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फिर लिखवाता हूँ इसको। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, कुछ गुरु के बारे में, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएँ हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पांचवें गुरु थे, पांचवें नंबर के गुरु अर्जुन देव जी, उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, इनको क्या कहा जाता था? पहली बात,
इनको फर्स्ट फर्स्ट मार्टियर भी कहा जाता था, फर्स्ट मार्टियर यानी कि शहीद, मार्टियर यानी कि शहीद, शहीद ऑफ सिख रिलीजन, सिख रिलीजन के फर्स्ट मार्टियर कहे जाने वाले पर्सन थे ये सिख अर्जुन गुरुदेव। तो ये था इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पेपर में पूछा जाए कि फर्स्ट मार्टियर ऑफ सिख रिलीजन तो आप लिखोगे अर्जुन देव। अच्छा, इसकी दूसरी बात, इनकी खासियत, इनको किस नाम की उपाधि मिली हुई थी, इनको नाम की उपाधि मिली थी शहीद, शहीद ए सरताज, शहीद ए सरताज, शहीद ए सरताज, इनको उपाधि नाम की मिली गई थी शहीद ए सरताज। तो ये दो इंपॉर्टेंट थिंग है गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। एक लास्ट जो कि नॉर्मल पूछा जाता पेपर में कि इन्हीं के टाइम पीरियड पे, इन्हीं के टाइम पीरियड में गोल्डन टेंपल बना था, गोल्डन टेंपल अमृतसर का, अमृतसर का गोल्डन टेंपल जो है वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे बना था। ये खासकर पूछा जाता है थर्ड वाला, गोल्डन टेंपल किस सिख गुरु के टाइम पीरियड के दौरान बना था। तो गोल्डन टेंपल अर्जुन देव गुरु जी के टाइम पीरियड के दौरान बना था। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो मैं नेक्स्ट गुरु जी, गुरु के बारे में बताता हूँ आपको, उनके टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु अर्जुन देव जो हमने अभी लिखे थे उनके टाइम पीरियड, उनकी जो डेथ हुई थी, उनकी जो डेथ हुई थी गुरु अर्जुन देव जो हमने अभी कवर किया था, उनकी डेथ जो हुई थी वो जहांगीर के टाइम पीरियड पे हुई थी। जहांगीर, मुगल जहांगीर के टाइम पीरियड के दौरान इनकी डेथ हुई थी। तो ये भी आप एक बार फोर्थ पॉइंट बना लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेते हैं कि गुरु जहांगीर के टाइम पीरियड के दौरान किस सिख गुरु की मौत हुई थी, तो जहांगीर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब मैं आपको बता दूं कि सिक्स गुरु जो हमने लिखे थे हर गोविंद, गुरु हर गोविंद, इनके बारे में जो खास चीज है वो है कि ये थे सन ऑफ अर्जुन देव, सन ऑफ गुरु अर्जुन देव जी। ये इनके बारे में बस यही खास चीज है कि ये जो हर गोविंद जी थे वो पुत्र थे अर्जुन देव जी के। तो यही खास पॉइंट है, इसके बारे में कुछ और पूछता नहीं है, तो आप ये उतार सकते हैं। नेक्स्ट गुरु के बारे में हम लिखते हैं, आठवें गुरु के नाम जो हमने लिखा था गुरु हर कृष्ण, इनके पीरियड, इनके पीरियड में क्या हुआ था देखते हैं। डाइड एट द एज ऑफ 8 ईयर ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। एक तो ये बात हुई थी, और दूसरी चीज जो हुई थी वो क्या हुई थी, सन ऑफ गुरु हर राय, यानी कि इनके टाइम पीरियड के दौरान दो बातें हुई। कौन सी दो बातें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, पहली तो डाइड एट द एज ऑफ 8 ईयर यानी कि 8 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, और किसके कारण हुई थी, स्मॉल पॉक्स के कारण। तो दूसरी चीज है कि ये गुरु हर राय जो थे उनके पुत्र थे। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, जो कि अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि लास्ट सिख गुरु, लास्ट पर्सन सिख गुरु पूछ लिया जाए तो आप नाम लिखोगे गुरु गोविंद सिंह का, पर अगर लास्ट सिख गुरु बोल दिया जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब उनका नाम आएगा। तो इनके टाइम पीरियड पे क्या चीज हुई है पहले देखते हैं हम। फाउंडेड खालसा, खालसा इनने जो कहते हैं खालसा किसने फाउंड किया, किसने शुरुआत करी, तो ये गुरु गोविंद सिंह के टाइम पीरियड के दौरान। और सन ऑफ तेज बहादुर, जो हमारे 9वें गुरु थे उनके पुत्र थे ये, सन ऑफ तेज बहादुर। तीसरा जो था मर्डर्ड, मर्डर्ड बाय
पश्तून, सेंट सेंट बाय मुगल गवर्नर वजीर खान। यानी कि इनमें क्या हुआ था, इनके टाइम पीरियड पे फाउंड किया गया था खालसा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने फाउंड किया खालसा। सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है कि सन ऑफ गुरु तेज बहादुर, यानी कि गुरु तेज बहादुर के सन थे ये। और तीसरा लास्ट पॉइंट है कि मर्डर्ड बाय पश्तून, पश्तून के द्वारा इनका मर्डर किया गया था। जो पश्तून को किसने भेजा था, सेंट बाय मुगल एम्पर गवर्नर, मुगल गवर्नर थे वजीर खान, तो वजीर खान के द्वारा भेजा गया था और पश्तून पश्तून ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। तो ये थे आज का टॉपिक, और एक नंबर तो पक्का पक्का पेपर में आता ही आता है। तो ये हमारे कुछ आज के इम्पॉर्टेंट कवर किया हमने सिख गुरुज, और ऐसे ही मैं आपके लिए स्टैटिक जी के मैथ और भी टॉपिक्स लेके आऊँगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि अगली क्लास में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उस हिसाब से मैं कवर करके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा एक अच्छा सा टॉपिक जो पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं जिससे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। तेरा भाई रफ्तार।